सिक्स दिन की सिक्स लस्सी है। रूह अफ़ज़ा लस्सी, प्लेन लस्सी, पिस्ता लस्सी, अखरोट लस्सी, चॉकलेट लस्सी और ये बनाना लस्सी। लस्सी बनाने के लिए सामग्री जो लगती है वो आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमने चॉकलेट लिया है, पिस्ता का क्रश, पिस्ता, बादाम, कटकी हुई केली, काजू, बारीक किए हुए काजू, अखरोट और ये इलायची पाउडर, ये टूटी फ्रूटी है, हमने केशर, ये मनुखा, ये सब चीज़ें हमें लस्सी बनाने के लिए लगेंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लस्सी बनाना। अभी हम लोग दही को अच्छे से फेंट लेंगे। चॉकलेट लस्सी बनाने के लिए हम लोग लेंगे शुगर, टूटी फ्रूटी, इलायची पाउडर, किशमिश, बारीक कट किया हुआ बादाम, बारीक कट किया हुआ काजू, चॉकलेट। ये सब सामग्री हमें चॉकलेट लस्सी बनाने के लिए लगेगी। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं चॉकलेट लस्सी बनाना। सबसे पहले हम लोग लेंगे दही। अभी हमने दही ऐड किया है, अब डालेंगे चॉकलेट पाउडर। अब ऐड करेंगे बारीक कट किया हुआ काजू, पिस्ता, बादाम, एक टेबल स्पून शुगर। ये बहुत मीठा रह चॉकलेट बहुत मीठी रहती है, इसीलिए हम लोगों ने इसमें शुगर एक टेबल स्पून यूज़ किया है। अभी हम लोग इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अभी चॉकलेट लस्सी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अभी हमारी चॉकलेट लस्सी रेडी है। पिस्ता लस्सी बनाने के लिए हमें लगेंगी सामग्री, भिगे हुए पिस्ता, कट किए हुए बादाम, बारीक कट किए हुए काजू, शुगर, इलायची पाउडर और टूटी फ्रूटी। ये सब चीज़ें हम लोग अभी ऐड करेंगे दही में। अभी हम लोग ऐड करेंगे दही, 2 टेबलस्पून चीनी। अभी हम लोग ऐड करेंगे इसमें बारीक किया हुआ काजू, कट किया हुआ बादाम और भिगोया हुआ पिस्ता। अभी हम लोग ऐड करेंगे इलायची। हम लोग इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अभी हमारी पिस्ता लस्सी रेडी है। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी, कट किया हुआ बादाम, बारीक कट किया हुआ काजू, ये सब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे। अभी हम लोग कट किया हुआ पिस्ता डालेंगे। हमारी पिस्ता लस्सी रेडी है। अखरोट लस्सी बनाने के लिए जो सामग्री लगती है वो मैं आपको बताऊंगी। शुगर, केसर, इलायची पाउडर, टूटी फ्रूटी, भिगोए हुए अखरोट, ये कट किया हुआ बादाम और बारीक कट किया हुआ काजू। अखरोट लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग डालेंगे दही।
अभी हम लोग ऐड करेंगे इसमें शुगर, 2 टेबलस्पून शुगर लेना है, भिगोए हुए अखरोट, अभी हम लोग ऐड करेंगे बारीक कट किया हुआ बादाम, बारीक कट किया हुआ काजू, इलायची पाउडर और केसर। ये सब चीज़ें ऐड की है, अभी हम लोग इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अभी हम लोग अखरोट लस्सी को ग्लास में निकाल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे टूटी फूटी बारीक कट किया हुआ काजू, बारीक कट किया हुआ बादाम और इलायची पाउडर, और थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे इसके ऊपर। रू अफ़ज़ा लस्सी बनाने के लिए हमें अभी लगेगा रू अफ़ज़ा, कट किया हुआ बादाम, किशमिश, इलायची पाउडर, टूटी फ्रूटी, पिस्ता, बारीक कट किया हुआ काजू और शुगर। रू अफ़ज़ा लस्सी के लिए हमने अभी लिया है दही, उसमें ऐड करेंगे रू अफ़ज़ा। हम लोग 2 टेबलस्पून शुगर लेंगे, उसके बाद हम लेंगे काजू, पिस्ता बारीक कट किया हुआ बादाम, इसमें भी ऐड करेंगे इलायची पाउडर ऐड की है, अभी हम लोग इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी, किशमिश, काजू, पिस्ता पाउडर। अब हमारी रू अफ़ज़ा लस्सी रेडी है। बनाना लस्सी बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे दही, उसमें डालेंगे कट किया हुआ बनाना, कट किया हुआ काजू, कट किया हुआ बादाम और थोड़ा सा इलायची पाउडर। ये सब हमने अभी मिक्सर में ऐड कर दिया है, अभी हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। अभी हम लोग ने बनाना लस्सी ग्राइंड की है और अभी इसमें एक ग्लास में निकाल ली है। अभी इसमें अभी हम लोग ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी, अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे बारीक कट किया हुआ काजू और बारीक कट किया हुआ बादाम। हमारी बनाना लस्सी रेडी है। अभी हम लोग सब सामग्री सिंपल लस्सी बनाने के लिए लेंगे, दही, शक्कर और काजू और बादाम, ये सब सामग्री हमने अभी इसमें ऐड कर दिए। अभी हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। अभी हमारी ये लस्सी सिंपल लस्सी रेडी हो चुकी है, जो मैं अभी आपको कांच के ग्लास में निकाल के दिखा रही हूँ। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे पिस्ता पाउडर,
थोड़ा बादाम, काजू, फ्रूटी। ये हमारी लस्सी रेडी है। घर का खाइए और हेल्दी रहिए। बाहर की लस्सियों में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव रहते हैं और बहुत कॉस्टली भी रहती है। ये हमने इजीली घर में अवेलेबल रहता है उस इंग्रेडिएंट से हमने घर की लस्सी बनाई है। आप ये 6 डिफरेंट लस्सी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, जिसमें आपको बताएंगे डिफरेंट टाइप्स के नींबू शरबत। उसके लिए हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें।